सो हाई एवरी वन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरो और प्री प्लैडर के नोट्स के बारे में। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्री प्लैडर के नोट्स हैं और कैसे मैरो के नोट्स हैं। जो लोग कन्फ्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही रहेगा गाइस कि मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि आपको कौन से नोट्स लेने चाहिए या कौन से नहीं लेने चाहिए। मैं आपको जस्ट अपीयरेंस दिखाने वाला हूँ कंटेंट पे, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है कि प्री प्लैडर के नोट का कंटेंट क्या है। अभी मैं एक बेसिक सा कंपैरिजन, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि दोनों के नोट्स में क्या क्या कंटेंट और कैसा हमें नोट्स मिलेगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि ये डिपेंड करता है आप पर कि आपके पास टाइम कितना है, आपको किस तरह की नीड है। लाइक अगर आप अभी सेकंड ईयर में ही हैं या थर्ड ईयर में हैं तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं ना, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा कि आपको कौन से नोट्स लेने चाहिए या कौन से नहीं लेने चाहिए। बस ये ज़रूर कहूँगा दोनों ही नोट्स में हाई यील्ड कंटेंट है। मैंने बहुत डिटेल में दोनों के नोट्स को कंपैरिजन करके देख लिया है, दोनों ही नोट्स में इक्वली एंड हाई यील्ड कंटेंट है। आप उसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है मैरो में, आप सबको पता है ये मैरो का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है और प्री प्लैडर में उतना नहीं है। बट अगर आप ओनली प्री प्लैडर से ये इतना कंटेंट भी याद रख पाते हैं ना, तो आप को मेडिकल का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप ना निकाल पाए। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आप कितना कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को याद रख पाते हैं, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आप पर। कोई भी कोचिंग या कोई भी नोट्स आपका सिलेक्शन में कोई भी रोल ज़्यादा प्ले नहीं करते। हाँ, ये एक सपोर्टिव चीज़ है जो आपको एक सपोर्ट करेगी पढ़ने के लिए। एनीवेज, लेक्चर बहुत हो गया, अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं कि कैसे नोट्स हैं। सो गाइज़, ये देखिए मेरे पास है वॉल्यूम 2 मेडिसिन का और यहाँ पर वॉल्यूम 2 मैरो का, ठीक है। ये प्रीप्लैडर का नोट्स है, ये मैरो का नोट्स है। अभी बेसिकली अपेयरेंस में आप देख सकते हैं फ्रंट कवर इसका कैसा है और फ्रंटली ये कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अंदर की अगर बात करें तो डॉक्टर राकेश नायर सर की, ये क्योंकि उनके लेक्चर के बेस्ड है तो ये उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर पेपर क्वालिटी की बात करें तो मुझे मैरो के नोट्स की पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। हल्का सा येलो कलर का ये शेड जो है ना पेपर का, ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है पढ़ते टाइम। आपको लगेगा कि हाँ यार, आपको पढ़ने का मन करेगा, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसके साथ, एक अच्छा अपीयरेंस है बेसिकली मैं कहूँगा। वहीं अगर आप बात करें प्री प्लैडर के नोट्स की, तो ये तो गॉड ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर दीपक मारवा सर ये ऑथर हैं इस नोट्स के और इनके अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स लिखे गए हैं। अच्छा, यहाँ वही आपको टेबल मिलता है जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। पेपर क्वालिटी इसकी थोड़ी सी, मतलब हम कहेंगे कि नोटबुक की जैसी है, लाइक उतना क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छा है। पेपर क्वालिटी का वैसे भी क्या ही करना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, राइट। तो पेपर क्वालिटी इसकी थोड़ी सी वीक है और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और ये वाइटिस कलर के पेपर हैं, ठीक है, वाइट है पूरा। अच्छा, डायग्राम की बात करें तो डायग्राम वगैरह दिए गए हैं, कलर डायग्राम है काफ़ी, दोनों ही नोट्स में डायग्राम दिए गए हैं। देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ, अगर आप मैरो के नोट्स के देखेंगे तो इस तरह से देखिए आप, यहाँ कलर डायग्राम दिए गए हैं पूरी तरह से। बट मैरो के नोट्स में क्या चीज़ है कि इन सबको ना चार्ट वाइज दिखाया गया है, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं पूरा इस तरह से चार्ट, एक चार्ट बना के समझाया गया है ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकें, याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेबल भी है, चार्ट्स भी हैं, बहुत सारी, लाइक आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ एक प्रॉपर बुक की तरह आपको दिया गया है, साथ में डायग्राम्स हैं, उसके टॉपिक वाइज यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, निडल्स वगैरह, वो सारी जो डायग्राम वगैरह हैं वो सारे कलर डायग्राम हैं। अच्छा, मुझे बहुत बेस्ट चीज़ क्या लगी प्री प्लैडर के नोट्स की, वो ये लगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मतलब क्वेश्चन जो हैं साथ में दिए गए, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि कौन से पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये INICT एम्स जुलाई 2021 में पूछा गया, मतलब INICT में पूछा गया है ये क्वेश्चन और ये रिलेटेड है इस चैप्टर से। तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जबकि इसमें ना हमें क्वेश्चन मिलते हैं और ना ही हमें लास्ट में क्लिनिकल सिनेरियोज मिलते हैं। बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये नोट्स इफेक्टिव नहीं है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव नोट्स हैं। डिपेंड करता है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास जो भी टाइम है, ओके। और अच्छा, अभी मैं अगर एक इसकी मैंने प्री प्लैडर की डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके कि उसमें क्या क्या कंटेंट दिया है और किस तरह के आगे के नोट्स दिए गए हैं। मैरो में भी इसी तरह का कंटेंट है, आपको ऐसे
अब यहाँ देखिए कंपैरिजन की तरह दिखाया गया है, सारी चीज़ों को चार्ट वाइज दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये भी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो आप जब ये वाले मैरो के नोट्स पढ़ते हैं, इनके फॉन्ट देखिए आप इस तरह से, इनके फॉन्ट कितने कूल लग रहे हैं ना यहाँ पर, आप ये देखिए ये फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट पता है आपको फीलिंग देते हैं नोट्स की कि आप एक नोट्स पढ़ रहे हैं, लाइक आपके खुद के लिखे हुए नोट्स जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप फॉन्ट्स देखेंगे ना राइट, ये देखिए एक जो फॉन्ट होते हैं ना नॉर्मली, जो टिपिकल फॉन्ट्स होते हैं वो हैं ये फॉन्ट्स। तो इन फॉन्ट्स का क्या है ना कि आपको ऐसा फीलिंग आई कि आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं। मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरो लीजिए, बिकॉज मैरो में कंटेंट काफ़ी है, आपको समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अगर बात करें प्री प्लैडर की, अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि आपको कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, तो आप प्री प्लैडर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें प्राइस की इन दोनों की, सो ये 8500 के हैं नोट्स सारे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें इमरजेंसी मेडिसिन इंक्लूड है या नहीं, बट अगर बात करें प्री प्लैडर नोट्स की, तो प्री प्लैडर 7500 के हैं, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन है। इसके साथ साथ हमें एक गुडी किट दी गई थी जिसका बैग वगैरह था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया है, बैग था, पेन वगैरह, जो भी टैग्स वगैरह थे, टैग्स और एक नोटबुक वगैरह थी। इसके साथ क्या क्या मिला मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये मेरे नोट्स नहीं है, ये मेरे फ्रेंड के नोट्स हैं और मैंने उससे लिए थे ताकि मैं कंपैरिजन वीडियो बना पाऊँ। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चूज द प्रॉपर कोचिंग एंड प्रॉपर नोट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम, लाइक हाउ मच टाइम यू हैव फॉर प्रिपरेशन, राइट।